टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ तहसील में परमार्थ समाज सेवी संस्था के कार्यालय में जल सहेलियों का सम्मेलन रखा गया, जिसमें उनके कार्य और दायित्व बनाए गए। सभी जल संरक्षण पर्यावरण संरक्षण पर कार्य कर रही है और आपकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने गांव में स्वच्छता पर काम करें और वृक्षारोपण करें। प्रत्येक पौधे की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। परियोजना क्षेत्र के प्रत्येक गांव से आए जल सहेलियों ने संकल्प लिया है कि हम लोग अपने अपने गाँव को पानीदार बनाएंगे। सभी जल स्रोतों के पास सफाई कराकर क्लोरीनेशन कराकर साफ पानी का उपयोग करेंगे। साथ ही संस्था द्वारा उपलब्ध बीच किचन गार्डन को जैविक खेती अपनाई है। मोहनगढ़ से कैमरामैन अनुराग सेन के साथ अध्यक्ष शुक्ला की रिपोर्ट। और करीब 2-3 साल से परमार्थ समाज सेवी संस्था से जुड़ी हुई। आज की इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग जलवायु परिवर्तन के कारण पेड़ लगाएं और पेड़ बचाएं, इस पर काम कर रहे हैं। और हम सभी लोगों ने यह मिलकर तय किया है कि सभी लोग कम से कम 2 पेड़ लगाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे। उनकी जिम्मेदारी का दायित्व हम स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। आज इस मीटिंग में यह तय हुआ है कि हम जितने भी जल सहेलियां हैं अपने परिवार में 2-2 वृक्ष लगाएंगे। हम सब ने इस मीटिंग के माध्यम से यह तय किया है कि ग्राम के प्रत्येक परिवार में कम से कम 2 पेड़ लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। आज परमार्थ समाज सेवी संस्थान के मोहनगढ़ कार्यालय में जल सहेलियों की बैठक हुई और इस बैठक में इन सब जल सहेलियों ने तय किया कि हम सब लोग अपने अपने गांव में पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ अभियान चलाएंगे और पर्यावरण की रक्षा के लिए सब मिलकर जो वन विभाग है उसमें आवेदन देंगे कि जो जंगल की अवैध कटाई होती है उस पर शीघ्र रोक लगाई जाए और जो ठंड के मौसम में पेड़ कट जाते हैं अगर इस वर्ष काटे गए तो हम सब जल सहेलियां आंदोलन करेंगे। यदि इस वर्ष पेड़ों की अवैध कटाई हुई तो हम सब सहेलियां मिलजुल कर आंदोलन करेंगे। काट लिया जाता है तो इनको ये लोग इसका आवेदन दे रहे हैं कि इस अवैध कटाई को रोका जाए और अगर ये नहीं रुकी तो हम लोग आंदोलन करेंगे इसके लिए। और अभी जो देखा जा रहा है कि मोहनगढ़ क्षेत्र में सबसे कम बारिश हुई है। जब पानी की ज़रूरत होती है जब पानी बरस नहीं रहा और जब ज़रूरत नहीं है तब पानी बरस रहा है, जब लोगों की फसल सड़ेगी। तो इस तरह का जो जलवायु परिवर्तन है और इसका जो मेन कारण है वो है पेड़ों का ना होना, पेड़ों की अवैध कटाई होना। तो हम सभी का ये अनुरोध है कि पेड़ों की जो अवैध कटाई होगी उससे हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।